तो हेलो दोस्तों, आज है 28 जून और आज की सुबह निकल चुकी है पूरब की तरफ से। तो आप सोच रहे होंगे कि पूरब इस तरफ है, तो नहीं भाई, इस तरफ पश्चिम है, पूरब इस तरफ है, इस तरफ। लेकिन अभी तो गाइस फाइनली हम मतलब रेडी हो गए और हम कोचिंग की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि 7 बजे से कोचिंग लगती है। क्रैश कोर्स का क्लास लगने वाला है, शायद आज बायोलॉजी की लेक्चर लगने वाला है, उसके बाद फिजिक्स की लेक्चर लगेगी। तो हम कम्प्लीटली अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं। और सॉरी, याद आया मुझे कि पानी भी पीना है, तो चलो हम पानी पी लेते हैं। गैस इसमें तो पानी है नहीं, तो वैसे पियेंगे तो हम कोचिंग में जाके पीती है। मतलब जो नया रूम है ना, उस तरफ से भी हम सेकंड सॉरी फर्स्ट वाले रूम में जा रहे हैं। तो ईश्वर सर का लेक्चर है फर्स्ट में, तो हम जाते हैं और वहाँ से गाड़ी उठाएंगे और वहाँ से कोचिंग की तरफ निकल जाएंगे। तो हम चलते हैं कौन सा फर्स्ट वाले रूम में, और वहाँ से ईश्वर सर के साथ हम निकलते हैं। ठीक, हम कोचिंग पहुँच चुके हैं और अभी मतलब जो लेक्चर लगने वाला था, मैं सोच रहा था कि बायो की लेक्चर लगने वाला था, बट बायो की नहीं, फर्स्ट क्लास क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री की है। और जो कि सिविल बैच में जो न्यू सर आ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ाते हैं और पटवारी बैच मतलब स्टार्ट हुआ है अभी, तो उनकी फर्स्ट लेक्चर लग के उसके बाद जो राउंड चलता है मतलब मैथ्स के लग सकते हैं। मालूम नहीं था ड्रॉपर बैच में भी मतलब रिविजन क्लास मतलब ड्रॉपर बैच में क्रैश कोर्स में बायो का ही लेक्चर लगने वाला, मतलब मिस हो गया था। और जो कि आपको पता है SSC जो MTS है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपने फॉर्म भरे थे तो उसके एडमिट कार्ड निकाल। ये प्रिंटर क्यूसेरा 2040 में तो पूरी जान खा गई है भाई पर डे। फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मोबाइल पिछली चाय जो सुबह की होती है वो मैंने पिया नहीं था, तो मैं अभी गंज में आया हूँ और चाय पी रहा हूँ। ठीक है, और हमारे साथ में अभी नितेश सर भी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बैतूल में क्या करना है, जितने भी चाय की दुकान है ना सब जगह मैं LLB चाय वाला का बोर्ड लगवा देता हूँ और लोगों को लगेगा मेरा है, बट ऐसा नहीं करना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, मिल गया सके अब चाहे। और राजा सर है, तो हम इधर टर्न पे एक नाश्ता पॉइंट है जो कि वीकली वीकली आते रहते हैं यहाँ पे, मतलब सर बोलते रहते कि मतलब अलग अलग जगह का मतलब नाश्ता करना चाहिए, तो हमें सोचा चलो यहाँ पे, नहीं तो डेली पर्टिकुलर 8 बजे पंजाबी रेस्टोरेंट का नाश्ता जाता है। ठीक है, तो हमें चलते हैं और आप देख सकते हैं कारगिल चौक का व्यू। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे। फाइनली हमने नाश्ता कर लिया दोस्तों, और ये देखो रख भी लिया, मज़ा आ गया खाने में। और आपको खाने तो कारगिल चौक में होटल रामकृष्णा के सामने है, बढ़िया होटल आप देख सकते हैं। फाइनली गए हम मतलब नाश्ता करके रूम पहुंच चुके हैं अभी, जो फैकल्टी रूम है, और बस थोड़ा आराम से बैठे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हम कोचिंग तरफ निकलते हैं। ठीक है, हमारे साथ में कालू आप देख सकते हैं, और ये भी हमारे साथ अग्निवीर के साथ में मतलब जुड़ चुका है, और एक कालू अग्निवीर है। ठीक है, ये मेडिटेक का एक सदस्य है ये भी, तो कोई नहीं आप देख सकते हैं। मैं अभी जहाँ जाऊँगा मतलब इसके लिए दूध का पैकेट लाने जाऊँगा, आई थिंक दूध का पैकेट, बिस्किट और ये नमकीन रोटी सब्जी तो खाता नहीं है, लेकिन ये दूध ज़रूर पीता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए बिस्किट लाने चलते हैं, तो हम चलते हैं पास की दुकान में। पूर्वी बेकरी में तो बिस्किट नहीं है हालांकि, लेकिन अब हमको LIC ऑफिस के साइड में जो एक शॉप है मतलब वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ से लाते हैं और आपको एक आलू का भी बिस्किट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे बैतूल का एरिया आप देख सकते हैं, और मैं अभी मतलब LIC ऑफिस के साइड में आया हूँ, तो यहाँ से बिस्किट ले जाते हैं। अभी कालू हो सकते इधर क्रॉस ना कर ले, बट मैं क्रॉस करके आया हूँ अभी। तो गैस फाइनली हमने ले लिया कालू, चलो ये बिस्किट और ये कालू देख सकते हैं, बहुत मतलब ये मतलब रोटी खाता नहीं है ना, इसलिए बिस्किट और दूध लेना पड़ता है।
तो दूध तो हमने लिए नहीं आज, तो कालू मेरे साथ में भी चल रहा है। देखो कालू, कालू ने क्रॉसिंग कर लिया है, हालांकि बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ करके, लेकिन कोई बात नहीं। उससे डर ये है कि गाइस सर ने बोला कि लालू तो कोचिंग में आने मत देना, तो लालू तो अभी दिख नहीं रहा क्योंकि वो बहुत दिन से अब्सेंट हो गया था। मिनिमम एक महीने हो गया था जो कालू अब्सेंट मरता है, और ये कालू तो यहीं रहता है। आप देख सकते हैं मतलब बाहर से ये बिल्डिंग इस प्रकार दिखती है, और ये फ्रंट व्यू है मेटे का। तो कालू का भी विस्तार देना पड़ेगा। ये धन्नो गाड़ी, ये कालू बिस्कुट खा रहा है। फाइनली हमने मतलब शाम का समय भी हो चुका है यहाँ पे, और लगभग 5 बज चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते कालू के साथ, क्योंकि पानी का समय हो गया और वीडियो को एडिटिंग भी करना पड़ेगा काफ़ी। मैं भी डेली मतलब यूट्यूब पर इनएक्टिव हूँ, मतलब उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो कुछ ना टेस्ट सीरीज हो जाए तो उसके बाद धमाकेदार वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि हमारा टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ मैं इसलिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।